दिस इज तारका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल अ स्पार्कलिंग स्टार। आज मैं इस वीडियो में अपने पूरे फैमिली के साथ हूँ, इसीलिए क्योंकि आज अ स्पार्कलिंग स्टार का हैप्पी वाला बर्थडे है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, दिस इज तारका एंड वेलकम टू माई चैनल अ स्पार्कलिंग स्टार। लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हुआ था, सब लोगों की हॉबीज ऐसे निकल निकल के बाहर आ रही थी। कोई बेक शेक कर रहा था, कोई पेंटिंग कर रहा था, कोई कुछ और कर रहा था। और मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की हॉबी जो है ये बचपन से है। शूटिंग के चलते मैं उतना वक्त नहीं दे पाती अपनी हॉबीज को, बट ये जो टाइम मुझे मिला था उसमें मैंने बहुत कुछ किया था। तो एक्चुअली मेरे भाई ने मुझे बोला कि तुम एक काम करो, यूट्यूब पे चैनल ओपन करो और तुम्हारी जो ये क्रिएटिविटी है तुम लोगों के साथ भी शेयर करो। तो मुझे बड़ी हंसी आई थी और मैंने इस बात को इग्नोर किया था, क्योंकि इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कमिटमेंट होती है जो आप लोगों को देते हो कि हर हफ्ते हम कुछ नया लेकर आएंगे। और जो प्रोफेशनल यूट्यूबर्स होते हैं वो दो या तीन या चार पता नहीं कितने वीडियोस डेली वीकली अपलोड्स उनकी होती है। मैं उतनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकती थी बिकॉज शूटिंग इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मेरा प्रोफेशन जो है ये एक्टिंग है। तो उसके चलते मैं वीडियोस नहीं बना पाऊंगी या फिर मैं उतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, तो इसीलिए मैंने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया था। तो बहुत पुश करने के बाद मैंने सोचा कि चलो चैनल ओपन कर लेते हैं। तो इसका जो क्रेडिट है ये जाता है मेरे भाई को सबसे पहले और फिर मेरे मम्मी पापा को। बहुत सारे नाम के बाद अ स्पार्कलिंग स्टार नाम फाइनल हुआ। मैंने चैनल ओपन किया, जो भी लॉकडाउन में मैंने चीज़ें बनाई थी उसके छोटे छोटे क्लिप्स फोटोज़ मेरे पास थी, उसको इकट्ठा करके मैंने एक वीडियो बना दी। मेरा इंट्रोडक्शन का वीडियो आ चुका था, बट आगे क्या, ये कंटेंट कहाँ से लेके आएंगे, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये डायरी है, या इस डायरी से मैंने शुरुआत की थी। तो मैं पहले नोट डाउन करती थी कि मुझे अब क्या लेके आना है, और मैं सच में बैठी थी सोचते हुए कि इंट्रोडक्शन तो आ गया बट अब आगे क्या। मॉनसून चल रहा था, मेरे घर पे प्लांट्स हैं, तो मैंने सोचा कि मॉनसून में प्लांट केयर कैसे करते हैं इसका एक वीडियो बना दूँ। फिर स्किन केयर का वीडियो आ गया, फिर मैं इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या करती हूँ उसका वीडियो आ गया। तो बेसिकली जो चीज़ें मैं करती हूँ या मुझसे रिलेटेड है या जो मुझे पसंद है मैंने दिखाना शुरू किया, उस पर मैंने वीडियो बनानी शुरू की। अब इनिशियली 2-3 वीडियोज़ के बाद शूटिंग के लिए परमिशन मिल गई, शूटिंग शुरू हुआ। तो मैं वक्त निकाल निकाल कर इस वीडियो के पीछे पड़ गई। मतलब मुझे वो प्रोसेस इतनी अच्छी लगने लगी थी कि वीडियो शूट करो, फिर एडिट करो एंड पोस्ट करो। अगस्त एंड में मेरा भकनवड़ी शो ऑफ एयर चला गया, तब मैंने प्लान किया था कि अब नवरात्रि आएगी, दिवाली आएगी और मैं बहुत सारे वीडियोज लेके आऊँगी, और उसकी पूरी प्लानिंग मैंने इसमें कर रखी थी। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पापा कोविड पॉजिटिव आ गए सितंबर फर्स्ट वीक में, और उसी में पूरा महीना चला गया, मैं कुछ बना नहीं पाई थी। पापा जैसे ही ठीक हो गए, मेरे कजिन्स दोनों भी पॉजिटिव आ गए और मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। 2 महीने और उसमें चले गए, और बाहर की जो सिचुएशन चल रही थी ना उसे देखते हुए सच में कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बहुत ही डिप्रेसिंग था। फिर सोचा कि कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, माइंड डाइवर्ट होना चाहिए। तो फिर दिवाली के लिए, वैसे तो मेरे घर पर कोई दिवाली नहीं थी, बट दिवाली के लिए मैंने 2 वीडियोस शेयर की थी। मेरी भाकरवड़ी की जर्नी वाला एक वीडियो मैं लेकर आने वाली थी, बट ये कोविड के चलते घर पे मैं कुछ नहीं कर पाई थी, और वो वीडियो दिसंबर में आई, तो कंसिस्टेंसी नहीं थी। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप अपने वीडियोस शूट किस पे करते हैं, कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, या फिर आप एडिटिंग कैसे करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि शुरू से ही मेरा ऐसा था ना, चीज़ें जितने कॉम्पैक्ट होना कि मैं कहीं पर बैठ के अपना काम कर सकूं, ये मेरे दिमाग में था कि सीन चल रहा है और मेरा शॉट नहीं चल रहा है तो वहाँ पे कुछ कर लिया, थोड़ा टाइम मिला, फिर अगर 2 सीन के बीच में कोई गैप है तो वहाँ बैठ के मेकअप रूम में एडिट कर लिया। शुरू से ही मोबाइल पे ही शूट करना पसंद किया, मैं आईफोन पे शूट करती हूँ और उसी पे मैं एडिट करती हूँ। मैंने एक एडिटिंग ऐप परचेस किया है, अभी फिलहाल तो कोई शूटिंग नहीं चल रहा है,
मैं एनआरकेएल के काम में बिजी थी इसलिए मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया था, बट अभी मैं वापस आ रही हूँ। आई नो मैंने कुछ बहुत बड़ा मकाम हासिल नहीं किया है, बट मैंने खुद मेहनत की है एक साल तक। मैंने जितने भी वीडियोस लाए हैं मैं खुश हूँ, मेरी फैमिली खुश है, एंड आई होप कि जितने लोगों ने मेरी वीडियोस देखी है वो भी खुश होंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा कोई YouTube चैनल होगा और उसमें मैं कोई वीडियोस बनाऊंगी, बट भाई ने जितना मुझे फोर्स किया, घर वालों ने जितना मुझे मोटिवेट किया इस चैनल को ओपन करने के लिए, उतना ही प्यार मुझे आपसे भी मिला है। थैंक यू सो मच, ऐसा ही प्यार मुझे आगे भी देते रहिए। मेरे हर वीडियो में आप मुझे देखते हो, बट जैसे होता है कि एक्टर ऑन स्क्रीन दिखता है बट ऑफ स्क्रीन काफी लोग होते हैं जो काम करते हैं, पूरा यूनिट होता है, तो ये मेरा यूनिट है जो मेरे लिए काम करता है। वीडियोस में मैं दिखती हूँ बट उसकी सब तैयारी जो होती है, या मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए, तो ये सब चीजें अरेंज करने के लिए ये लोग होते हैं। चैनल बदल एक्चुअली खूप चांगलं वाटतं, कारण की आम्ही, मला तो दिवस आठवतो की आम्ही तुला पुश केला की अरे तू एवढी क्रिएटिव आहे, काय ना काय करत असते, तर तू तुझा चॅनल का नाही ओपन करा, आणि तू तेव्हा म्हणजे खूप ऍक्च्युली लेझी होती आणि तू ते नाही, तुला ते जमतच नव्हतं की नाही मी ओपन करणार आहे की नाही चॅनल, आणि तुला मम्मी पप्पा आणि मी तुला खूप फोर्स केला, आणि आता त्या चॅनलला बघता बघता एक वर्ष झालं आणि ते माहिती पण नाही पडलं की तू एवढे मोर दॅन 25 व्हिडिओ त्याच्यावर अपलोड केले आहेत, आणि पूर्ण एक चांगली जर्नी होती, आणि कदाचित आपण पुढच्या वर्षी असा याच्यापेक्षा मोठा बर्थडे सेलिब्रेट करू चॅनलचा। खूप छान वाटतं, आणि याच्यामध्ये तुझी मेहनत जास्त आहे, आणि कधी ना कधी तुझी मेहनत फळाला येईल, आणि खूप खूप चॅनल मोठा होऊ दे, एवढ्याच शुभेच्छा। खूप छान वाटतंय, असेच व्हिडिओ तू बनवत राहा, आणि सर्वांना तुझे व्हिडिओ पाहून खूप आनंद होऊन दे। आम्हालाही खूप आनंद होतोय की माझी मुलगी स्टार आहे। जाते जाते एक ही बात कहूंगी की बाहर की सिचुएशन सुधर रही है बट अब तक संभली नहीं है, तो आप अपना खुद का और अपने खुद के फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। टाटा।